कि मुंडन हो जाए, तो क्या उन लोग पागल बोलते हैं? भगवत भक्त को लोग पागल ही कहते हैं। एक बार गुरु कृष्ण में गए थे, मुझे याद है, तो छोटे बच्चे जैसा दिखते थे, आयु कम था, तो पुस्तक वितरण करते समय लड़कियां घेर और सीखा को खींच करके चिल्लाने लगी। नाइन्थ क्लास में जब समर वेकेशन में महाराज जी जब भुवनेश्वर में जाकर बोले कि जाके गुरु कृष्ण शुरू करो, तो वो रमा देवी एक कॉलेज है, उनको पता नहीं था कि लेडीज कॉलेज है, माने गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां पे घुस गए, कुछ पुस्तक गया लेकिन कुछ लड़कियां घेर ली और सीखा को खींचने लगी, चिल्लाने लगी। तो ऐसा होता है, जगत में लोग पागल कहते हैं। तो घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन के बाजी लगा चुके, तुम्हारे मिलने के लिए तो जीवन का बाजी ही लगा चुके। कुछ प्रभुपाद जी का एक बार कोई प्रश्न पूछे, प्रभुपाद वर्णना करते हैं प्रसंग में कि प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति प्रश्न पूछे कि विदेश में हमेशा आप देखेंगे बूढ़ा होने के बाद भी अपनी बुद्धि के सही ही चलते हैं। बूढ़ा होने के बाद भी गलवैया लेकर के चलते हैं, कंधे में कंधे मिला करके चलते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछा कि आपकी पत्नी नहीं है? तो नया आया था इसको, मैं पहली बार आया था, तो आपकी पत्नी नहीं है? क्योंकि संन्यास आश्रम एक होता ही नहीं, उसका पता नहीं उसको, विदेश में क्या पता है बालकृष्ण क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, संन्यास क्या है। कृष्ण प्रभुपाद जी पूछे कि आपकी पत्नी नहीं है, तो प्रभुपाद जी बहुत जोर से हंसे कि मैं सन्यासी, मेरी नाम सड़ल नहीं हूँ, पत्नी कहाँ से आई? तो हाउ कैन यू लिव, तुम कैसे जी रहे हो बिना पत्नी का, कैसे जी रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोले कि हम कृष्ण के चरणों के लिए पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, सबको त्याग दिया। तो इसीलिए हमको जब उन्नत सुख मिल रहा है, ऐसे निम्न सुख में हम क्यों रमण करें? तो प्रभुपाद जी का यह उत्तर था। तो लोग जैसे भौतिक जगत में, पाश्चात्य देश में बिना पत्नी का कोई जीवन है ऐसा समझ ही नहीं सकते। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्ति के लिए जीवन की बाजी लगा देते हैं। अगर भगवान माने या ना माने, इस पंक्ति में गुरु महाराज वर्णना करते हैं कि हम तुमको अपना बना चुके, हम तो आपको अपना बना लेंगे, और इसी अपना बनाने में अगर हमारी दुर्गति हो गया, अगर दुर्गति मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी, बदनाम तू ही होगी ना। बोलेंगे अरे कृष्ण का भक्त था, ऐसा हो गया, ये हो गया, नाम तो तुम्हारा ही पड़ेगा, क्योंकि नंद सुदन गोपाल के हैं ये बात जगत को बता चुके। अभी तिलक कर रहे हैं, कंठी धारण कर रहे हैं, ज्योति पहन रहे हैं, तो सब पता पता है ना, कृष्ण का भक्त है, नंद सुदन गोपाल के भक्त है, सबको पता है अरे ईश्वर का भक्त है, बोलते हैं ना लोग। अगर हमारी दुर्गति को तो आप ही बदनाम होंगे ना, तो इसलिए आप जीवन का डोर आपके हाथ में है। तो भगवत जो भक्त होते हैं पूर्णतः भगवान के शरण में रहते हैं, अवश्य राखी रे कृष्ण, क्योंकि चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, पूर्णतः सबकी उद्देश्य है कि कृष्ण के चरणों में मति रति भक्ति को उत्पन्न करें। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, कभी कभार विचार करते हैं, जैसे कि आश्रम में भेद आता है, अनेक जो ज्यादा निष्ठा में मैंने अपने स्वतंत्र सीमा रेखा में रहने वाले कुछ कर्मचारी भक्त होते हैं, तो अरे ये गृहस्थ है क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बड़ा अपराध है। भगवत भक्ति का निरूपण कोई आश्रम के द्वारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चिंतामणि, जितने भी महाप्रभु के पार्षद है, लगभग 90% गृहस्थी, 90% डिवोटेड गृहस्थी। तो उद्देश्य यह है, जैसे कि बताया गया चारी वर्ण चारी आश्रम जदि कृष्ण नहीं रहे, तो चार वर्ण और चार आश्रम का यही कर्तव्य है कि कृष्ण का भजन करें। कृष्ण का नाम जब करते हैं करता है तो वो आश्रम निंदित है, वो वर्ण भी निंदित है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि भगवत भक्ति का आचरण के बारे में बताया गया है गुरु के निर्देश के अनुसार, यद्यपि वो प्रभुपाद जी एक श्लोक का उदाहरण देते हैं गीता का कि यद्यपि वो स्त्री,
वैश्य हो या शूद्र हो। शास्त्रों में स्त्री, शूद्र और ऋषभ, इन तीनों को वेदों के जो उच्चारणों से उनको वर्जित किया गया है। तो इनके लिए भी भगवत भक्ति सहज और सुलभ, ये भी परम गति को यांतिम परम परम गति भगवान कह रहे कृष्ण गीता में, ये भी परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। देखिए स्त्री होने के बाद भी जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनकी गाथा सन्यासी लोग भी वर्णना करते हैं, यदि लोग भी वर्णना करते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेम रूपक पाठशाला की वो परम शिक्षयत्री है, परम अध्यापिकाएं हैं, उन्नत भक्ति के उन्नत रस को वो प्रदान किए। ऐसे स्त्री, जैसे कि यहां पर स्त्रियों के बारे में बताया, स्त्री होने के बाद भी परम गति को प्राप्त कर सकती है, उसके प्रकृष्ट उदाहरण श्रीमद् भागवतम के गोपिकाएं हैं। अनपढ़ थी वो, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनकी भगवत भक्ति के शिक्षा को समझने के लिए कई वेदांतियों के लिए भी यह असंभव। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले उद्धव जी इस जगत में पढ़ाई नहीं किए, स्वर्ग में जाकर के पढ़ाई किए, देवताओं के गुरु बृहस्पति से पढ़ाई किए, लेकिन वो भी इन ब्रज स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाल रेणु महियसम यासाम हरि कथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम पुनाति भुवनत्रयम पुनाति भुवनत्रयम। ब्रज स्त्रियों की वंदना करता हूं और उनकी पाद रेणु, उनकी चरण की रेणु की मैं आकांक्षा करता हूं। उद्धव जी जो स्वर्ग में पढ़ाई किए हैं ऐसे ब्रजगोपियों का की वर्णना कर रहे हैं, और जिनके द्वारा प्रस्तुत हरि कथो गीतम, उस जो हरि कथा में जो गीत उत्पन्न होते हैं, गोपी गीत है, वो क्या है ना, पुनाति भुवन त्रय हरि गीत हरि कथो गीत। यहां पर स्त्री होने के बाद भी वो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, वो शूद्र होने के बाद भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, वो वैश्य होने के बाद भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर भक्ति का याचन करें। देखिए भगवान की भक्ति में ऐसा उन्नत रस है, जैसे कि हम भगवान का नाम रटते रहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का नाम रटते रहते हैं। रामायण में वर्णना है, चित्रकूट में जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास कर रहे थे, तो राम सीता तो जो कुटिया में सोते रहते थे माने रात्रि काल में, लेकिन लक्ष्मण जी पहरा देते थे, लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, तो लक्ष्मण जी परिक्रमा करते रहते रात भर, जो कुटिया की परिक्रमा करते रहते, बड़ी विशद वर्णना है वाल्मीकि रामायण में। तो मध्यरात्रि की वेला थी, एक दिन लक्ष्मण जी श्रवण के सिसकते सिसकते आवाज में कोई रो रहा है, बड़ी आश्चर्य लगा इस घन जंगल में मंदाकिनी के किनारे कौन रो रहा है, कौन क्रंदन कर रहा है, तो चारों ओर देखने लगे कोई राक्षसी है क्या, कोई राक्षस है क्या, या कोई अन्य जीव जंतु है क्या, क्योंकि हमेशा सजाग रहते थे भगवान की सुरक्षा के लिए। तो चारों ओर जब देखने लगे आवाज कुटिया के अंदर से ही आ रहा है, यद्यपि निवृत निकुंज रूपक उस कुटिया में प्रवेश का अधिकार लक्ष्मण को नहीं, मर्यादा उनको भी पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा झांकने लगे कि कौन रो रहा है, शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुछ कष्ट हुआ था। तो देखे कि भगवान राम जी, सीता जी सोए हुए हैं लेकिन भगवान राम जी बैठ करके क्रंदन कर रहे हैं। तो इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण का हृदय विदारित हो गया, लगा कि आसमान की मेरे ऊपर गिर गया है, जिन प्रभु के सेवा के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूं, मेरे होते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रंदन कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है।
तो बड़ी धीमी आवाज में लक्ष्मण जी कुटिया से बाहर से ही रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी को आवाज की, और भगवान राम जी देखे कि लक्ष्मण आवाज दे रहे, तो बोले कि क्या है लक्ष्मण, क्या है बोली, तो यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है लेकिन आपको मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि आप क्यों क्रंदन कर रहे हैं। तो ये बात कहने के बाद पूरे और भी रो पड़े भगवान राम जी, और रोना इतना बढ़ गया तो सीता जी की चक्की, तो सीता जी की चक्की देखिए भगवान राम जी के आंख में आंसू आ रहा है, तो सीता जी और लक्ष्मण दोनों ही एक साथ प्रश्न किए, आप क्यों क्रंदन कर रहे हैं, कारण क्या है। तो भगवान राम जी वंदना कर रहे हैं कि मुझे कई कई सूत की याद सता रहा है, कई कई का सूत यानी कि भरत, मोहे कई कई सूत याद सताई, दर्शन की श्रीवास्तव वंदना कर रहे, मुझे कई कई सूत का याद आ रहा है उसकी भगवत भक्ति में मेरे प्रति श्रद्धा जो भक्ति के आगे मैं हार गया हूं, वनवास ये किए हैं लेकिन एक वनवास से गृहस्थ भरत का स्मरण कर रहे हैं, वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की, जगु जपु राम राम जपु जे ही, जगत राम का जप करता है और राम जी भरत जी का जप करते हैं, जगु जपु राम राम जपु जे ही, भरत सरिसि को राम समे। अगर भरत सरिस नदी में स्नेह की नदी में, तो उस नदी के स्नेह के बूंद एक कण राम जी है, यानी कितना छोटा पड़ गए भरत जी के आगे भगवान राम जी, सोचिए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भक्ति में स्वयं भगवान को भी विचलित कर लेते हैं, यानी कि उनकी भक्ति की इतनी महिमा है। तो ये तो नंदीग्राम में थे, राज कार्य करते थे भरत जी, लेकिन भगवान का स्मरण इतना तल्लीन भाव से करते थे, तो भगवान भी उनका स्मरण करते थे। यद्यपि जगत राम का जप करता है लेकिन राम भरत 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 का जप करते हैं, ये भगवत भक्ति की प्रभाव है। तो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, कोई भी वर्ण में क्यों ना हो, जो हरि भक्ति रूपक वितृष्णा से रहित मति को प्राप्त करता है, उस मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर लेता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो इसका उदाहरण जैसे कि अंतिम श्लोक उपाय कह रहे, इसका एक उदाहरण अगले श्लोक में अद्भुत उद्भुत, जैसे कि आगे पांडवों के बारे में वर्णन किया जाए, स्वयं भगवान द्वारकाधीश ज्यादातर पांडवों के पास से रहते थे, उनकी भक्ति की इतनी महिमा थी, भगवान हमेशा पांडवों के निकट ही रहते थे लगभग प्राय, यद्यपि 16,108 रानियां थी उनके निकट जितना नहीं रहे, पांडवों के पास भगवान ज्यादा रहे, ऐसा वंदना करते तो नारद मुनि स्वयं पांडवों की वंदना करते हैं, तुम्हारा जैसा भाग्य किसका हो सकता है। एक भगवत भक्त वंदना करते हैं, मैं उन भगवान कृष्ण की आराधना करता हूं जो पांडवों के लिए जो रथ को भी हार दिया। उसी समय में द्वापर युग में जो अश्व का चालन लगभग प्राय शूद्र श्रेणी के लोग करते थे, जैसे कि कर्ण के जो पिता थे अभिरथ, वो अश्व चालक थे, रथ चालक थे, शूद्र परिवार में जन्म लेना व्यक्ति ही रथ का चालन करते थे, माने वर्ण के हिसाब से, लेकिन भगवान कृष्ण पांडवों के लिए रथ को भी हाके, ऐसे भगवान को मैं आराधना करता हूं। तो नारद मुनि स्वयं वंदना कर, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है, यूयम लोके बतहूरी भागा, इस लोक में यूयम लोके बतहूरी भागा, इस लोक में तुम पांडवों जैसा कोई भाग्यवान नहीं हो सकता है, क्या हुआ तुम गृहस्थ हो लेकिन तुम्हारे सा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि
साक्षात परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास, इस निर्लोक में तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता है। क्यों भगवान उनके पास आ जाते थे? क्योंकि यह उनकी भक्ति की प्रभाव था, पांडवों की भक्ति की यह प्रभाव था कि भगवान हमेशा उनके निकट ही रहते थे। तो इसलिए जो भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते हैं, चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, भगवान उनके पीछे पीछे भागते रहते। और भगवान जो जितने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं ना, जैसे कि कहाँ पे भागवत में अष्टभुज भगवान नारायण की वंदना है, चतुर्भुज भगवान नारायण की वंदना है, तो यह समस्त अस्त्र शस्त्र भक्तों के रक्षा के लिए, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए ही हमारे ओडिया में एक वैष्णव गीत है, सालों में एक है, वो गाते हैं, एकात भगत जीवन भगत निमंते तोरा शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह, एकात भगत जीवन, ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान, जिस जगन्नाथ जी हाथ में देखे ना शंख चक्र चिन्ह, किसने धारण किए? भक्तों की सुरक्षा के, अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, उनको कौन कुछ कर सकता है, भक्तों की सुरक्षा के लिए हमेशा सजाग रहते, रेडी रहते हैं। भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, भक्त के लिए ही भगवान, ऐसे भक्त के लिए ही भगवान शंख चक्र चिन्ह धारण किए हैं। और ऐसे भक्त को भगवान अपने माता पिता के रूप में स्वीकारते हैं, जैसे कि वसुदेव के तथा देवकी के बारे में वर्णना है, जो तपस्या किए भगवान स्वयं उनको माता पिता का सम्मान दिए। एकादश खंड में वर्णना है, नारद मुनि कह रहे आप कृष्ण के सहित पुत्र का भाव ही रखो, भगवान का भाव मत रखो, क्योंकि ऐसे भगवान यद्यपि परम आसक्ति से रहित है, लेकिन माता पिता का जो स्नेह आदर को पाने के लिए इस ब्रह्मांड में आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। भगत तो माता पिता, भगत तो बंधु, भक्ति ही भगवान के लिए माता पिता है और भक्ति ही भगवान के लिए बंधु है। यद्यपि इस आश्रम में कहा गया तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु च सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविड़, तमेव तमेव सर्व मम देव देव, भगवान ही माता पिता, लेकिन भगवान ही धन करें, मेरे भक्ति मेरे माता पिता है, मेरे भक्ति मेरे बंधु है, मेरे भक्ति मेरे सखा है। तो ऐसे भगवान के भक्त अपने भक्ति में भगवान को भी बस में कर लेते हैं, अपने बस करूं राम, अपने बस में राम जी को रख लेते हैं भगवान के भक्त। तो यह भगवत भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसके द्वारा किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, वो इस भगवत भक्ति का आचरण करके भगवान को भी वश में कर लेता है और अंतिम में परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए चार आश्रम चार वर्ण ही वंदनीय है, पूजनीय है। कोई भी आश्रम कम बड़ा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्वर्ण मया सबसे पूरा कर्म विभाग से, चार वर्ण और चार आश्रम है, गुरु कर्म के हिसाब से स्वयं भगवान के द्वारा ही निर्मित किया गया है। लेकिन चार वर्ण और चार आश्रम का उद्देश्य यह है कि वो कृष्ण के चरणों में समर्पित हो, एक बार भगवान के शरण में जो चला जाता है उसको कोई भी चिंता नहीं, वो निश्चित भगवत भक्ति के प्रभाव से परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान का भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। यद्यपि सांसारिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन निश्चित एक समय आएगा, अगर वो कथा श्रवण करेंगे, साधु संग करेंगे, तो निश्चित ये उनकी जो दुर्गति है वो परम सदगति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे भक्तिवर ठाकुर पहले चर्चा कर रहे थे कि बोल रहे हैं कि दारा पुत्र निज देह कुटुंब पाल, इसमें ही व्यस्त रहते हैं,
अंतिम में वंदना करते हैं, एवे आत्मा समर्पिनो चिंता नहीं तुमीर बाहिवे प्रभु संसार तुम्हार। ये संसार मेरा नहीं है, एक गृहस्थ कह रहा है कि संसार, भक्तिवता को उसको कह रहे कि संसार मेरा नहीं है, ये संसार तुम्हारा है। एवे आत्मा समर्पिन, मैं अभी आत्मसमर्पण कर लिया आपके चरणों में, चिंता नहीं आ और कोई भी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार तुम्हारा है। पति पत्नी को कृष्ण का दास ही मान, पत्नी पति को कृष्ण का दास मान, यह संबंध है गृहस्थों। तो एवे निर्वाह प्रभु चिंता नहीं आ और कोई चिंता नहीं, तुम्ही निर्वाही वे प्रभु संसार तुम्हारा। ये संसार की निर्वाह करना, इसकी भरण पोषण करना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं तो इसलिए कोई चिंता नहीं, आत्मसमर्पिनो त्वया पदेयानि, जब आत्मसमर्पण कर लेंगे त्वया पदेयानि आपके चरणों में और कोई चिंता नहीं। दुख दुरागेना चिंता ना रहिना, जितना भी दुख है वो चला गया, जितनी चिंताएं थी वो चला गया। चौधरी के आनंद देखी, भक्ति नोटागर कहते हैं कि चौधरी के आनंद देखी, गृहस्थों को रिप्रेजेंट करके कह रहे हैं भक्ति नोटागर कि आत्मा जब समर्पण कर लेते हैं, भगवान की भक्ति करके आचरण करते हैं, चाहे गृहस्थी क्यों ना हो, तो और कोई चिंता नहीं रहता, दुख दूर हो गया, समस्त दुख चला जाता है, कोई चिंता भी नहीं रहती है। दुख दूर हो गया, चिंता न रहेगा, चौधरी के आनंद में, चारों दिशाएं में अब आनंद ही आनंद है और कोई चिंता का एक रेखा भी नहीं। इसलिए समस्त वर्ण और आश्रम का यह कर्तव्य है कि आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करें भगवान के चरणों में। यद्यपि ये बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान जैसे कह रहे हैं अभ्यास करना चाहिए, निश्चयता बड़ी जीवन की बड़ी मुख्य भूमिका रहती है। आज करेंगे, कल करेंगे, एकादशी से शुरू करेंगे, गौर पूर्णिमा से शुरू करेंगे, अगले साल 2020 में शुरू करेंगे, ऐसा जो करते हैं कभी भी अपने भक्तिमय जो वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। वाल्मीकि में वंदना है कि रावण के पास लक्ष्मण को भगवान ने भेजे, अंतिम में जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करूँ। एक शिक्षा में रावण ने बोला कि जो करना है आज ही, अब से इसी समय से ही करो, एक शिक्षा था उसका। तो भक्ति में निश्चयता की ही बड़ी मुख्य भूमिका होती है, जो किसी क्षण में विचार नहीं करते हैं, अवलो विचार ही अवलो निश्चय, जब निश्चय नहीं करते हैं वो भक्ति की परम गति को जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है वो प्राप्त नहीं कर पाते। निश्चयता जीवन की बड़ी आवश्यकता। तो ऐसे भगवत भक्ति में पूर्णतः निश्चय जो कर लेते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित होने का पूर्ण संकल्पबद्ध कर लेते हैं, निश्चित रूप से इस श्लोक के वर्णना के अनुसार यद्यपि वो घर में रहने वाले हैं वो भगवान की परम गति परम भक्ति को प्राप्त करते हैं। गृहे थाको मने थाको सदा हरि हरि डाको सुखे दुखे भुलो नाको बदने हरि नाम गाओ गोरा मधुर स्वरे। गोरा का नाम करना है मधुर स्वर में, अपने भाव में गोरा यानी चैतन्य महाप्रभु का नाम करना है, हरि नाम करना है। घर में रहो या बंद में, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी सन्यासी, लेकिन बदने हरि नाम, बदने मुख में हमेशा हरि नाम करना है, तभी जाकर के इस संसार के बंधनों से हम मुक्त हो सकेंगे। इसलिए जो ऐसे घर में रहने वाले स्वकर्म भी करते हैं, एक वेदों के शास्त्रों के प्रमाणित, पुराणों के प्रमाणित, आचार्य के मत के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार जो भगवत भक्ति का आचरण करते हैं, निश्चित अंतिम समय में वो परम गति को प्राप्त करते हैं
और इस जन्म में ही भगवान की उपलब्धि करके भगवान का भाव करते हैं। श्री गुरु गोविंद महाराज दीक्षा के समय एक बात कहते थे कि गेट कृष्ण इन दिस फेरी लाइफ, जब जब माला देते थे गेट कृष्ण इन दिस फेरी लाइफ कहकर के नाम देते, इस जन्म में कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया, नहीं ये मेरे द्वारा नहीं होगा, कहाँ मेरी बुद्धि होगी, इस जन्म में ही कृष्ण को पाने का संकल्प बद्ध जो करता है निश्चित क्रियाशक्ति उसको सहायता करती है। तो इसीलिए इस श्लोक में अंतिम में यहाँ ही कहा गया है कि ग्रस्त होने के बाद भी ग्रस्त भी कृष्ण के पास पहुंच सकता है, इसलिए कि यह बिना भौतिक इच्छाओं से इच्छाओं के सिद्ध भक्त बने। श्लोक में अंतिम में कहते हैं बिना इच्छाओं से, जैसे कि कहा गया कि विगत कृष्ण समस्त तृष्णाओं को रहित होकर के स्मृति को कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।